Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English, and thanks for your love and support. Today I have a lesson for the students of class 11th और ये आपकी Hornbill book की chapter number 1 है, जिसका title है The Portrait of a Lady और जिसके writer है खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे जो portrait है, इस portrait का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तस्वीर। तो यहाँ एक old lady है जो कि खुशवंत सिंह की grand mother है, तो उसकी तस्वीर के बारे में, उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, किस तरह से रिलेशन है खुशवंत सिंह का इनकी ग्रैंड मदर के साथ, इस चीज़ को बताएंगे इस चैप्टर में खुशवंत सिंह हमें। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं यहाँ पे जो कि आपको टेक्स्ट में पढ़ने के बाद मिलेगा, तो इस चीज़ को नोटिस करना है। और ये जो सारे टेक्स्ट जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये सारे टेक्स्ट आपको चैप्टर में बोल्ड लेटर्स में मिल जाएंगे। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट से जो नीचे आप पढ़ोगे उससे क्या इसकी मीनिंग आएंगे इन सब वर्ड्स की, ये सारे भी आपको निकालने हैं। तो ये मैं आपको चैप्टर के बीच में एक्सप्लेन करूँगा। माय ग्रैंड मदर, अब यहाँ पे जो माय है ये इस चैप्टर के ऑथर यानी खुशवंत सिंह को ही रेफर कर रहा है। तो जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी, लाइक एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर, वो जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है, बिल्कुल वैसे ही खुशवंत सिंह की भी ग्रैंड मदर थी। वॉज एन ओल्ड वुमन, वह एक ओल्ड वुमन थी, एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स डेट आई हैड नोन हर, यहाँ पर जो हर है ये खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर को ही रेफर कर रहा है। तो ये जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई थी, इनके फेस पर झुड़ियाँ आ गई थी। रिंकल्ड का मतलब होता है झुड़ियाँ, जैसे ज़्यादा एज हो जाने के बाद किसी के भी फेस पे जो फोल्ड आ जाती है उसको बोलते हैं झुड़ियाँ। तो झुड़ियाँ आ गई थी, और पिछले 20 सालों से खुशवंत सिंह, यहाँ पे जो आई है ये खुशवंत सिंह को ही रेफर कर रहा है। तो पिछले 20 सालों से खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को इसी तरह से देखे थे, इसी तरह से बूढ़ी देखे थे, उनके फेस पर झुड़ियाँ देखे थे। पीपल सेड, और लोगों का ये कहना था, डैट सी हैड वंस बीन यंग, कि वह भी खुशवंत सिंह की दादी माँ भी एक टाइम पे यंग हुआ करती थी, एंड प्रिटी, और बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करती थी। एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और उनका पति भी था, मतलब खुशवंत सिंह के दादाजी भी थे। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये चीज़ खुशवंत सिंह के लिए मुश्किल था विश्वास करना कि वह ब्यूटीफुल हुआ करती थी, वह यंग हुआ करती थी। क्योंकि जब से खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को देख रहे थे पिछले 20 ईयर्स से, तो इनकी दादी माँ इसी तरह की थी, ओल्ड थी, रिंकल्ड फेस था, रिंकल्ड बॉडी था। तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था बिलीव करना कि वो कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, तो जो इनका ड्राइंग रूम था खुशवंत सिंह का, वहाँ पे जो मेंटल पीस था, मेंटल पीस का मतलब होता है इस तरह का, आप देख सकते हो चिमनी को जिसको कहा जाता है। पहले के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो घर के अंदर में ही एक चिमनी की तरह बनाया जाता था, इस तरह का घर बनाया जाता था छोटा सा, जिसमें नीचे आग जलाया जाता था और ऊपर में डेकोरेशन के लिए किसी की तस्वीर या कोई भी पिक्चर्स लगाई जाती थी। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम में जो ये मेंटल पीस था, इस मेंटल पीस के पास ही इनके दादाजी का तस्वीर इस मेंटल पीस के ऊपर हंग कर रहा होता था, टंगा हुआ होता था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, अब यहाँ पे ये जो ही है ये खुशवंत सिंह के दादाजी को रेफर करा है, जिनकी तस्वीर मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगी हुई है। तो उस तस्वीर को देख के कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि वह एक बहुत बड़े टर्बन पहनते थे, और जो कपड़े पहनते थे वो बहुत ज़्यादा लूज होता था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो बियर्ड थी यानी उनकी जो दाढ़ी थी वो वाइट वाइट थे और बहुत ही लॉन्ग थे, बहुत बड़े थे, और उनका इतना ज़्यादा लंबाई था उनके बियर्ड की कि वो उनके चेस्ट तक आता था, और उस चेस्ट के एरिया को वो अच्छे तरीके से कवर कर देता था, तो इतनी बड़ी उनकी बियर्ड थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनकी जो तस्वीर है उसे देख के ऐसा लगता था कि वो पूरे 100 साल के हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, उन्हें देख के ऐसा लगता था, खुशवंत सिंह के दादाजी को देख के ऐसा लगता था कि वो ऐसे इंसान हैं जिनकी ना कभी कोई वाइफ होगी और ना ही कभी कोई बच्चे होंगे। मतलब इतने ज़्यादा वो बूढ़े थे कि उनको देख के ये चीज़ मान पाना बहुत मुश्किल था कि उनके कभी कोई वाइफ या चिल्ड्रेन होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड
ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। ही यहाँ पे वापस से खुशवंत सिंह के दादाजी को ही रेफर कर रहा है। तो खुशवंत सिंह के दादाजी को देख के ऐसा लगता था कि उनके सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन ही होंगे, मतलब पोता पोती ही होंगे, उनके कोई भी वाइफ या कोई चिल्ड्रेन नहीं होंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, और अगर मैं मेरी ग्रैंड मदर की तरफ देखूँ, उनकी बात करूँ, बिंग यंग एंड प्रिटी, तो वो जो बहुत यंग हुआ करते थे कभी और बहुत प्रिटी हुआ करते थे, इस बात को मान पाना द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स हुआ कि इस बात को मान पाना बहुत मुश्किल था, हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर डैट वंस हर ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी। तो इस चीज़ को मान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था ऑथर के लिए कि उनकी ग्रैंड मदर किसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यंग थी और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी। सी ऑफन टोल्ड अस, वह अक्सर हमें कहा करती थी। यहाँ पे जो अस है ये खुशवंत सिंह और इनके जो भी चिल्ड्रेन थे, ग्रैंड चिल्ड्रेन थे खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के, उनको रेफर कर रहा है। तो ये जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है ये अक्सर कहा करती थी, ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, अपने बचपन के दिनों के कहानियों को सुनाया करती थी, तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेला करते थे। तो जैसे जैसे वो जिस टाइप के गेम खेला करते थे ये सारे स्टोरीज़ अक्सर सुनाया करते थे खुशवंत सिंह को, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। डैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स ऑफ द पोर्ट्रेट सी यूज टू टेल अस। यहाँ पे एब्सर्ड का मतलब है इलॉजिकल, बिना किसी लॉजिक की चीज़ें। फेबल्स शॉर्ट स्टोरीज विद मॉडल्स, छोटी छोटी कहानियाँ जो कि हमें मॉडल्स देती हो, कुछ सीख देती हो। तो ये जो इनकी स्टोरी थी खूबसूरती वाला और ये यंग वाला, ये चीज़ इनको ऐसा लगता था कि बहुत एब्सर्ड है, मतलब बहुत इलॉजिकल बातें हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल अनडिग्निफाइड है। और उनकी ये सारी कहानियाँ को सुन के ऐसा लगता था कि वह कोई शॉर्ट स्टोरीज़ है जिसकी मॉडल्स होती है, तो उस तरह की छोटी छोटी स्टोरीज जैसे ये सुनाया करती थी दादी माँ, प्रॉफिट्स की कहानियाँ जो सुनाती थी दादी माँ, जो मॉरल स्टोरीज सुनाती थी, तो उस तरह की स्टोरीज़ के जैसा ट्रीट करते थे खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के इस बात को कि वो यंग और प्रिटी हुआ करती थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है उनकी दादी माँ किस तरह की थी, उनका किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर था, उस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर खुशवंत सिंह की दादी माँ की अपेयरेंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आ जाए आपके एग्ज़ाम में। तो उनकी अपेयरेंस कुछ इस तरह की थी, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो ये जो शी है ये दादी माँ को ही रेफर कर रहा है। तो दादी माँ बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी, मतलब उनकी हाइट कुछ खास बड़ी नहीं थी, थोड़ी फैट थी और स्लाइटली बेंट थी, हल्की सी मुड़ी हुई थी। यहाँ पे स्लाइटली बेंड का मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी जो ओल्ड हो जाते हैं तो आगे की तरफ से हल्की झुक जाते हैं, तो उस तरह से ये भी बेंड थे। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनकी फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि वो क्रिस क्रॉस है, रिंकल्स का क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस आपने खेला भी होगा, इस तरह के गेम्स को बोलते हैं क्रिस क्रॉस। तो ऐसे ऐसे किस करके लाइंस बने हुए थे इनके फेस पे, और ये हर जगह से हर जगह तक था, मतलब जहाँ से इनके फेस को देखा जाए वहाँ से सिर्फ इस तरह से लाइंस ही बने थे, झुर्रियाँ ही लगे थे इनके फेस पे। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो यहाँ पे जो ये कह रहे हैं वी, यानी कि खुशवंत सिंह और उनके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी उनके भाई हैं, वो सारे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूँ कि ये कभी भी यंग हुआ करती होगी। जब से हम इन्हें जान रहे हैं तब से ये इसी तरह के, मतलब पिछले 20 ईयर्स से इनकी दादी माँ को ये इसी तरह से देख रहे हैं, इसी तरह से ओल्ड देख रहे हैं, इस वजह से इनके लिए ये बात बहुत मुश्किल है मान पाना कि वह कभी यंग और प्रिटी हुआ करते थे। ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड डैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी ज़्यादा ओल्ड थी वो, इतनी ज़्यादा ओल्ड थी कि वह इससे ज़्यादा ओल्ड और हो ही नहीं सकती थी, मतलब ये ओल्ड के मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच गई थी, ऐसा खुशवंत सिंह का कहना है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और इसी तरह से ये रह गई, इसी ओल्ड एज में ही ये रह गई है पिछले 20 सालों से, मतलब जब से ये राइटर देख रहे हैं, जब से ये ऑथर देख रहे हैं अपनी दादी माँ को, तब से अब तक ये बिल्कुल उसी एज की है और उसी तरह से अपीयरेंस है इनका। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट सी वॉज ब्यूटिफुल, वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब आप यहाँ पे देखो ये लाइन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो वर्ड का यूज़ हुआ, एक तो प्रिटी है और दूसरा है ब्यूटिफुल।
तो यहाँ पे जो प्रिटी है, ये प्रिटी का मतलब है कि ब्यूटीफुल बाई फेस, फेस के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल होना, मतलब चेहरे से अगर आप सुंदर हो तो आप प्रिटी कहलाओगे, लेकिन अगर आप बाय हार्ट सुंदर हो तो आप ब्यूटीफुल कहलाओगे। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के बारे में कह रहे हैं कि वो कभी भी खूबसूरत नहीं थी, मतलब फेस से वो कभी भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन दिल से वो हमेशा ब्यूटीफुल थी, दिल से वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट यहाँ पे उनकी ड्रेस को कहा गया है। वो जो साड़ी पहनती थी वो बिल्कुल स्पॉटलेस होता था, एक भी उस पर दाग धब्बे नहीं होते थे, बिल्कुल सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती थी। हॉबल्ड का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई थी, उनका एज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से वो थोड़े लड़खड़ा के चलती थी पूरे घर में और वाइट कलर की साड़ी पहना करती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, तो क्योंकि ये आगे की तरफ से झुकी हुई थी, इनका थोड़ा बॉडी बेंड था बिकॉज ऑफ एज, तो इनका जो एक हाथ था वो इनके वेस्ट को सपोर्ट करता था टू बैलेंस हर स्टूप, इनके कमर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो आगे से झुकी थी तो इस वजह से वो बैलेंस हो सके, इसलिए वह एक हाथ से अपने कमर पे रख के उसको बैलेंस करती थी। एंड द अदर टेलिंग हर बीट्स ऑफ अ रोजरी, बीट्स ऑफ अ रोजरी का मतलब होता है जाप करने वाली मोतियाँ। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो अक्सर पूजा करते हैं तो एक मोती लेकर रखते हैं हाथ में और उसे काउंट करते हैं, और उसे काउंट करके वह जाप करते हैं, तो वही यहाँ पे बीट्स ऑफ रोजरी। तो इनकी जो दादी माँ है ये दिल से इतनी सुंदर इसलिए थी क्योंकि ये हमेशा भगवान को याद करती थी, अच्छी अच्छी बातें करती थी, और ये हमेशा एक माला लेकर उससे जाप कर रही होती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, तो यहाँ पे जो सिल्वर लॉक्स है, सिल्वर लॉक्स इनके हेयर को डिनोट कर रहा है, इनके हेयर को रेफर कर रहा है। उनकी जो हेयर थी वो सिल्वर के टाइप की थी, मतलब वाइट वाइट हो गई थी, जैसा कि एज इनका बहुत ज़्यादा था तो उस एज से इनके बाल सफ़ेद हो गए थे और वो बिल्कुल स्कैटर्ड हुआ करते थे, बिखरे पड़े थे, अनटाइडी थे, उतना ज़्यादा क्लीन नहीं था वो। ओवर हर पेल, और उनकी जो फेस थी वो थोड़ी पेल थी, हल्की येलोइश थी, पकर्ड फेस, और उस पर बहुत ज़्यादा पकर्ड थे, पकर्ड का मतलब होता है रिंकल्ड फेस, तो बहुत ज़्यादा उस पर झुड़ियाँ थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर, और जो उनके लिप्स थी वो कॉन्स्टेंटली इन ऑडिबल प्रेयर पे मूव करती रहती थी, मतलब कि वो हमेशा से कुछ ना कुछ मन में जाप करती रहती थी, प्रे करती रहती थी, और वो जो प्रेयर था वो मन में करती थी, इस वजह से वो इन ऑडिबल था, मतलब जिसको सुन नहीं सकें, डैट इज़ इन ऑडिबल, तो इस तरह से वो प्रेयर करते रहा करती थी। यस सी वॉज ब्यूटिफुल, और यहाँ पे इसी वजह से खुशवंत सिंह कहते हैं कि वह ब्यूटिफुल थी, क्योंकि वह हमेशा भगवान का नाम लिया करती थी, हमेशा सबको प्यार से बात किया करती थी, तो इस तरह से वह ब्यूटीफुल थी। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह ने हमें ये दिखाया कि वह किस तरह से बाई हार्ट ब्यूटीफुल थी, ना कि बाई फेस। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेंस, यहाँ पर जो शी है ये वापस से ग्रैंड मदर को ही रेफ़र करा है खुशवंत सिंह की। तो जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल विंटर के लैंडस्केप के जैसे थे, जैसे कि विंटर में कैसे माउंटेन्स हो जाते हैं उसके जो लैंडस्केप होते हैं, तो बिल्कुल वैसे थी, प्योर वाइट हुआ करती थी, प्योर वाइट यहाँ पर उनके ड्रेसिंग को कहा जा रहा है, बिल्कुल स्पॉटलेस वो साड़ी पहनती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब हुआ कि यह उनके कैरेक्टर को बताया जा रहा है, उनके बिहेवियर को बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, बिल्कुल प्योर थी, मतलब कोई भी उनमें छल कपट, कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल वो क्लियर थे। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो ऐसे जी रही थी मानो कि वो बहुत ज़्यादा शांत हो, उन्हें किसी चीज़ के लिए कोई कंप्लेन नहीं था, और वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट थी। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्ट, तो वो अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी, ऐसा उन्हें देख के लगता था, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं थी, कोई भी विश नहीं थी। My grandmother and I were good friends. अब जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है और खुशवंत सिंह खुद है, ये एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city. मेरे जो पेरेंट्स थे, यानी खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे, वह मुझे, मतलब खुशवंत सिंह को छोड़कर चले गए थे इनकी दादी माँ के साथ, और वह कहाँ चले गए थे, शहरों में रहने के लिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तभी से हम लोग, यहाँ पे वी वर जो है, ये वी जो रेफ़र कर रहा है, ये ग्रैंड मदर को रेफ़र कर रहा है खुशवंत सिंह के, और खुशवंत सिंह को रेफ़र कर रहा है, तो ये दोनों उसी टाइम से कॉन्स्टेंटली साथ रहा करते थे। सी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, शी वापस से ग्रैंड मदर को ही रेफ़र कर रहा है।
तो जो ग्रैंड मदर है खुशवंत सिंह की, वह इसे सुबह में उठाया करती थी और फिर स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बैथ एंड ड्रेस्ड मी। तो जो खुशवंत सिंह की दादी माँ है, ये मॉर्निंग प्रेयर किया करती थी उसी मोनोटोनस वे में। मोनोटोनस का मतलब बोरिंग तरीके से, वही उनका शुरू से जो चल रहा था प्रेयर, जो वो हर दिन हर सुबह करती थी वही प्रेयर वो गाया करती थी हमेशा से, और इस वजह से उन्हें वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लगता था, खुशवंत सिंह को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। और फिर दादी माँ खुशवंत सिंह की उन्हें नहलाती थी, उन्हें पूरे तरह से ड्रेसअप करती थी इन द होप डैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और वह ये सब इसलिए किया करती थी ताकि मैं भी उनकी बात को सुनूं, उनके उस प्रेयर पे ध्यान दूं और उसे बाय हार्ट लर्न कर लूं, उसको याद भी कर लूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं उनके प्रेयर को सुनता था क्योंकि मैं उनकी वॉइस को प्यार करता था, उनकी वॉइस को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, बॉदर्ड इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं उस प्रेयर को सीखूं, उसको याद करूं। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। और ये सब करने के बाद वह मेरे लिए वुडन स्लेट लाती थी। स्लेट वह होता है जब बच्चे छोटे होते तो स्कूल जाते तो पहले के टाइम में स्लेट लेकर जाया करते थे, जो कि साइड से वुडन होता है और बीच में पत्थर का बना होता है, आप देख सकते हो ये है स्लेट। तो इसको वो रेडी किया करती थी, इसको अच्छे से वॉश किया करती थी, साफ़ किया करती थी, और फिर मुझे येलो कलर के चॉक भी देती थी साथ में ताकि उससे मैं लिख सकूँ स्कूल जाकर। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और साथ में एक अर्दन इंक पॉट भी देती थी। अर्दन इंक पॉट का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, तो वो छोटा होता था उसे भी देती थी और रेड कलर का पेन भी देती थी ताकि उस इंक पॉट में डिप करके लिख सकूँ। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और इन सारे चीज़ों को एक बंडल में वो टाई कर देती थी, बांध देती थी और फिर मुझे दे देती थी। तो इस तरह से स्कूल के लिए रेडी करती थी खुशवंत सिंह की दादी माँ खुशवंत सिंह को। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थीक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो इतना सब होने के बाद वह ब्रेकफास्ट किया करते थे खुशवंत सिंह, और ब्रेकफास्ट में इनको बहुत ही थीक यानी बहुत ही मोटी स्टेल यानी बासी, एक दिन का रखा हुआ मतलब ये ताज़ा नहीं हुआ करता था, बासी चपाती खिलाते थे और साथ में उसके ऊपर बटर भी लगा देती थी और कुछ शुगर भी स्प्रेड कर देती थी उस रोटी के ऊपर। तो इस तरह से वो ब्रेकफास्ट किया करते थे। वी वेंट टू स्कूल, वी यानी यहाँ पे खुशवंत सिंह और उनकी दादी बात दोनों को रेफर करा, तो ये दोनों स्कूल जाते थे, दादी इनको स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे। सी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और शी यहाँ पे वापस से खुशवंत सिंह की दादी माँ को ही रेफर कर रहा है। तो खुशवंत सिंह की दादी माँ इनके साथ स्कूल जाती थी और साथ में अपने साथ बहुत सारे चपातीज ले लेती थी, स्टेल चपातीज मतलब वो जो बासी रोटियाँ हुआ करती थी वो सारे ले लेती थी ताकि ये जब जाए तो गांव के जो कुत्ते होते हैं रास्ते में अगर मिले तो उसे ये दे दें, उसे फीड कर दें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। तो यहाँ पर जो माई ग्रैंड मदर है, ये माई रेफर कर रहा है खुशवंत सिंह को, तो खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा इनके साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो इनका स्कूल था वो अटैच्ड था बगल के टेम्पल से, स्कूल के पास में ही टेम्पल था, तो इस वजह से इनकी ग्रैंड मदर इन्हें स्कूल छोड़ने डेली जाया करती थी। द प्रिस्ट टाउट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब जो ये मंदिर का पुजारी था वो इन्हें अल्फ़ाबेट भी सिखाता था और सुबह के प्रेयर भी सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑफ ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस। कोरस का मतलब होता है सिंग टुगेदर, एक साथ गाना। तो इस टाइम पे जब ये स्कूल जाते थे तो जो बाकी के सारे बच्चे थे वो सारे के सारे बच्चे रोज में बैठते थे और दोनों साइड बैठते थे, इस साइड भी बैठते थे और इस साइड भी बैठते थे, तो इस तरह से बैठते थे वरामदा में और एक साथ सब लोग अल्फ़ाबेट को सिंग करते थे और प्रेयर को भी गाते थे इन कोरस, एक साथ सब लोग मिलके गाते थे प्रेयर को भी और अल्फ़ाबेट को भी सीखते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होली बुक्स पवित्र किताबें। तो जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो अंदर मंदिर के अंदर बैठती थी और अंदर में पवित्र पवित्र जो भी बुक्स थी, रिलीजियस बुक्स थी, वो सारे पढ़ती थी। वेन वी बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों का ख़त्म हो जाता था मतलब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता था और दादी माँ का स्क्रिप्चर्स पढ़ना ख़त्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग एक साथ ही वापस घर जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर,
और इसी समय जो विलेज के डॉग्स थे वो हमें मिला करते थे टेम्पल के डोर के पास, दे फॉलोड अस। दे यहाँ पर रेफर कर रहा है विलेज डॉग्स को ही, तो जो विलेज डॉग्स थे ये इन्हें फॉलो करते थे टू आर होम हमारे घर तक, ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू डेम। ग्रॉलिंग का मतलब होता है गुर्राना, जोर जोर से गुस्से में आवाज़ निकालना, फाइटिंग इज झगड़ा करना। तो ये जो सारे डॉग्स थे ये बहुत ही जोर जोर से भौंकते थे, गुस्साए हुए भौंकते थे ये, और आपस में लड़ते थे ताकि उन्हें चपाती मिल सके। और ये सब चपाती जो है वो उसको टुकड़े टुकड़े करके उसे तोड़ के और फेंकते थे डॉग्स के लिए। तो इस तरह से इनका मॉर्निंग का दिन स्टार्ट होता था, और स्कूल ख़त्म होने के बाद ये दोनों वापस से घर आते थे डॉग्स को फीड करते हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। तो जब मेरे पेरेंट्स जो थे यानी खुशवंत सिंह के जो मम्मी पापा थे ये शहर जो गए थे, तो शहर में जाने के बाद पूरी तरह से सेटल्ड हो गए, वहाँ पे कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए, तो वो लोग ने दे यानी खुशवंत सिंह की पेरेंट्स, तो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे ये सब लोगों ने हम लोगों को वापस से बुला लिया शहर में। डैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और वही जो था मतलब जब ये गाँव से शहर गई तो यही एक टर्निंग पॉइंट आया, बहुत बड़ा चेंज आया इनके फ्रेंडशिप में। खुशवंत सिंह की दादी माँ के साथ जो फ्रेंडशिप था इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। तो इस चीज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्या चेंज आया था इनको शहर में जाने के बाद, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, देखा जाए तो हम लोग सब के सब दोनों जो थे दादी माँ और मैं वो सेम ही रूम में रहते थे, एक ही रूम में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, और जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं आती थी। यहाँ पर जो मी है ये खुशवंत सिंह को ही रेफ़र कर रहा है। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था और मुझे लेने के लिए एक मोटर बस आया करता था। तो अब ये मोटर बस से जाते हैं, इस वजह से इनकी दादी माँ इन्हें ड्रॉप करने के लिए इनके साथ स्कूल नहीं जाती। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और क्योंकि अभी स्कूल भी नहीं जाती है तो ये बाहर निकलती भी नहीं है, और इस वजह से कोई भी वहाँ पे इन्हें डॉग्स नहीं मिलता है गली में। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस, और इसी वजह से अब जो इनकी दादी माँ है ये डॉग्स के जगह पे स्पैरो को फीड करती है, जो कि इनके कोर्टयार्ड में इनके बरामदे में इनके आंगन में आते थे इनके शहर के घर में, तो ये वहाँ पे स्पैरोस को ही खिलाया करते थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और जैसे जैसे ईयर्स बीतते गए, रोल्ड बाई पास्ट बाई, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम लोग एक दूसरे को कम देखा करते थे, एक दूसरे से बहुत कम मिला करते थे। फॉर सम टाइम सी काउंटेड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, कभी कभी ऐसा होता था कि वह मुझे उठाती थी सुबह सुबह और स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड डाउट मी, और जब मैं वापस आता था मतलब स्कूल से जब मैं वापस आता था तो वह मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने तुम्हें आज क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। तो जब ये घर आते थे तो खुशवंत सिंह की दादी माँ इससे पूछती थी कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, तो मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स में, इंग्लिश शब्द में उन्हें बताया करता था कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैंने साइंस में पढ़ा था और सीखा था, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी बताता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता था, और दुनिया गोल क्यों है, ये सारी चीज़ें, साइंस की सारी चीज़ें मैं उन्हें बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये जो चीज़ थी ये मेरी दादी माँ को बहुत ही ज़्यादा नाखुश कर देता था, अनहैप्पी कर देता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि खुशवंत सिंह की दादी माँ को इंग्लिश नहीं आता था और ये अब इंग्लिश में ही बात किया करते थे, तो इस वजह से ये अनहैप्पी हो जाया करती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और क्योंकि अब इन्हें इंग्लिश आती नहीं है तो ये इनके लेसन्स में हेल्प भी नहीं किया करती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और जो इनके इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था इस चीज़ों पे वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वहाँ पे भगवान के बारे में या फिर स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स के बारे में, पवित्र किताबों के बारे में, रिलीजियस बुक्स के बारे में कुछ भी चीज़ें बताई नहीं जाती थी। तो इस वजह से खुशवंत सिंह की दादी माँ इनके स्टडीज़ से बहुत ही ज़्यादा
परेशान थे। वन डे आई अनाउंस्ड डैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसंस। तो एक दिन क्या हुआ, खुशवंत सिंह ने ये घर में आके बताया अपनी दादी माँ को कि हम लोगों को, वी यानी कि खुशवंत सिंह और इनके जो भी क्लासमेट्स थे, जो भी स्कूलमेट्स थे, उन सबको रेफ़र कर रहा है, तो उन सबको म्यूज़िक के लेसन्स दिए जा रहे हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। और ये बात सुन के जो खुशवंत सिंह की दादी माँ थी, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। और डिस्टर्ब इसलिए हुई क्योंकि टू हर म्यूज़िक हैड लीवड एसोसिएशंस। लीवड एसोसिएशन का मतलब होता है इनडिसेंट। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इनकी दादी माँ को लगता था कि इनडिसेंट लोगों के लिए, मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है म्यूज़िक सीखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के थे, इनके जो सोच थे ये बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, इस वजह से इन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ये सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हारलॉक्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। जेंटल फोक अच्छे लोग, हारलॉक्स एंड बेगर्स स्मॉल कास्ट स्मॉल ट्राइब पीपल, छोटे लोगों को कहा जा रहा है, बेगर्स भिखारी। तो ऐसा दादी माँ का मानना था खुशवंत सिंह की कि ये जो काम है, ये म्यूज़िक का जो गाना बजाना है, ये छोटे लोगों का काम है और भिखारियों का काम है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। खुशवंत सिंह की दादी माँ उस समय तो कुछ बोली नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, जो साइलेंस थी, ये देख के ऐसा लगता था कि वो इस चीज़ को डिसअप्रूव कर रही है, म्यूज़िक क्लासेस को डिसअप्रूव कर रही है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। और उसके बाद जब इन्होंने बताया म्यूज़िक स्कूल के बारे में, म्यूज़िक क्लास के बारे में, तो ये जानने के बाद इनकी दादी माँ का इनसे बात बहुत कम ही हो गया, बहुत ही रेयर हो गया। When I went up to the university, I was given a room of my own. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से चेंज आया खुशवंत सिंह की लाइफ में। सबसे पहले तो वो गांव में रहा करते थे अपनी दादी माँ के साथ, वहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप जो थी, इनकी जो बॉन्डिंग थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। दादी माँ इनको स्कूल छोड़ा करती थी, स्कूल से लाया करती थी, दोनों साथ में जाते थे, डॉग्स को फीड भी करते थे। और वहाँ से अब निकल के ये सेकेंड फेज में आ चुके हैं सिटी में। तो यहाँ पर सिटी में आने के बाद ये लोग एक दूसरे से उतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, इनकी बॉन्डिंग पहले जैसे रही नहीं है, क्योंकि अब ना दादी माँ इन्हें स्कूल छोड़ने जाती है, ना स्कूल से लेने जाती है। इनको लेने के लिए और इनको छोड़ने के लिए एक स्कूल के मोटर बस आती है। तो यहाँ से थोड़ा सा इनका जो बॉन्डिंग था वो कम होना शुरू हुआ है। और अब जब तीसरे फेज में आए हैं, जबकि ये यूनिवर्सिटी आ गए हैं, तो जो पहले ये सेकेंड फेज में अपना एक रूम शेयर किया करते थे, एक साथ रहा करते थे स्कूल टाइम में, तो वो भी अब ख़त्म हो चुका है। अब ये अपना खुद के एक अकेले के कमरे में रहते हैं, क्योंकि खुशवंत सिंह अब बड़े हो गए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड ब्रेक्ड, टूट जाना या तोड़ दिया जाना। तो ये जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, जो कि एक कमरा ही रह गया था, एक रूम ही रह गया था सिटी में आने के बाद, जो भी अब टूट चुका है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। सेक्लूजन इज द स्टेट ऑफ बींग प्राइवेट। अकेले रहने को कहते हैं सेक्लूजन। तो जो मेरी ग्रैंड मदर थी, वो इस सेक्लूजन को, अकेले रहने वाली बात को, उन्होंने एक्सेप्ट करा, स्वीकार करा, बिना किसी रेजिग्नेशन के, यानी बिना किसी ऑब्जेक्शन के। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्पिनिंग व्हील पे, अपने चरखे पे बिताती है, और इसे बहुत कम छोड़ती है। ऐसा बहुत कम होता है कि ये इस चरखे को छोड़ी है, और इस वजह से ये अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पिनिंग व्हील के पास ही स्पेंड किया करती है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह की सूरज निकलने के साथ से लेके शाम के सनसेट तक, सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वह अपने स्पिनिंग व्हील के साथ ही बैठती है, उसके पास ही बैठती है, और अपने प्रेयर्स को रिसाइट करते रहती है, मन में अपने प्रेयर्स को गाते रहती है। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड स्पैरोस। पूरे दिन में सिर्फ दोपहर के टाइम में ये कुछ देर के लिए रिलैक्स किया करती थी, और क्योंकि इनका स्पैरोस जो थे वो आ जाते थे इस टाइम पे, तो इसलिए ये रिलैक्स करती थी और स्पैरो को फीड करती थी इसी टाइम पे। वाइल सी सैट इन द बरांडा, वह बरांडा में बैठा करती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बीट्स, और जो ब्रेड था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया करती थी। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स का मतलब हुआ कि बहुत सारे, क्योंकि बर्ड्स आ गए हैं तो वो मानो बेड के जैसे बिछ गए हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आ रहे हैं, यानी एक लार्ज क्वान्टिटी है ये। तो ये सारे आ गए हैं और एक एरिया पे बैठ गए हैं, तो यहाँ पे सारे लोग जब बैठे हैं, सारे बर्ड्स जो बैठे हैं,
तो ये एक बेड के जैसा बन गया है। और चिरिपिंग्स यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड के साउंड को कह रहा है, चहचहाट जो होती है चिड़िया की, उसको रेफर कर रहा है। तो जब इनकी दादी माँ आती थी तो ये बरामदे में बैठती थी और हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आया करते थे वहाँ पे, और सबको ये रोटी के टुकड़े को तोड़ तोड़ के देती थी वहीं पे, और ये सारे बर्ड्स वहाँ पे एक साउंड क्रिएट करते थे चिरपिंग्स का, मतलब चहचहाने की साउंड को क्रिएट करते थे ग्रुप में एक साथ मिल के। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। तो सम यहाँ पे है, ये उन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को रेफर कर रहा है। तो उनमें से जो कुछ वर्ड्स थी वो आके इनके लेग्स के पास बैठ जाया करती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और बाकी कुछ थे जो उनके शोल्डर्स पे भी बैठते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दादी माँ का और इनके वर्ड्स का जो बॉन्डिंग है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा प्यार है इन दोनों के बीच में। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो ऐसा भी था कि जो इनके सर पे भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, तो वह इस चीज़ को स्माइल करके शो करती थी लेकिन कभी भी उन्हें शू करके यानी डांट कर गुस्से से भगाया नहीं। इट इज़ यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, तो ये उनके लिए पूरे दिन का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था ये हाफ आवर जो था, ये आधे घंटे जो ये फीड करवाती थी छोटे छोटे वर्ड्स को स्पैरोस को, तो ये इनके पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि खुशवंत सिंह और इनकी दादी माँ के साथ इनका जो बॉन्डिंग है, ये जिस तरह से प्यार था वो किस तरह से तीन पार्ट्स में, तीन टाइम्स में, तीन फेजेस में डिवाइड हो गया था। तो अब ये फोर्थ फेज आया है जब ये यूनिवर्सिटी से फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रोड जा रहे हैं। तो जब मैंने ये चीज़ डिसाइड करा कि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रोड जाऊँगा, आई वॉज श्योर, तो ये जो खुशवंत सिंह है ये बहुत ज़्यादा श्योर थे कि इनकी जो ग्रैंड मदर है ये बहुत अपसेट होगी इस बात को जानकर। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं बाहर जाता यानी फर्दर स्टडीज़ के लिए जो अब्रोड जा रहा था तो वो 5 सालों के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जिस तरह की एज थी, वो जिस एज में आ चुकी थी, कोई भी ये बात नहीं कह सकता है कि वो जब वापस आएंगे 5 साल बाद तो वो इनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इनकी जो दादी माँ है ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई थी और इस बात का कोई भी गारंटी नहीं था कि जब ये 5 ईयर्स बाद अपने फर्दर स्टडीज़ को कंप्लीट करके वापस आएंगे तो दादी माँ इनके रहेंगी नहीं रहेंगी, मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर है वो रही, मतलब वो जिंदा रही। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह जरा भी सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, थोड़ा भी इमोशनल भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मेरे साथ आई मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन मुझसे कुछ भी बात नहीं करा और ना ही अपनी कोई भी इमोशन को दिखाया। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इनकी जो ग्रैंड मदर है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कितनी ज़्यादा समझदार है ये, कि ये इस चीज़ को समझ रही है कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती है और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है और बहुत खुशी से कर रही है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, इनकी जो लिप्स थी वो प्रेयर ही कर रही थी जैसा कि ये हमेशा किया करती थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन द प्रेयर, इनकी जो माइंड थी, इनका जो मन था वो पूरी तरह से प्रेयर में लग चुका था। हर फिंगर्स वर बिजी बेड्स ऑफ हर रोजरी, और इनकी जो फिंगर्स थी वह उसी माला का जाप कर रही थी, रुद्राक्ष के माला का जाप कर रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और बड़े ही साइलेंटली बहुत ही पोलाइटली इन्होंने मेरे फोरहेड को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, यहाँ पे अस खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ को रेफर कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने मेरे को किस करा मेरे फोरहेड पे और मैं वहाँ से गया, तो थोड़ी सी मेरे को मॉइस्ट फील हुई। जब किस करते हैं किसी को तो वो जो छाप रह जाती है, वो जो छाप था इनके मिलने का, इनके जो फिजिकल कॉन्टैक्ट का, ऐसा लग रहा था कि वो लास्ट साइन है, क्योंकि इस बात का कोई गारंटी नहीं था कि जब ये 5 साल के बाद आएंगे तो इनकी दादी माँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन इनकी दादी माँ रह जाती है। बट डैड वॉज नॉट सो, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कि जैसा कि खुशवंत सिंह सोच रहे थे कि वो 5 साल बाद जब वापस आएंगे तो इनकी दादी माँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनकी दादी माँ अभी भी जिंदा थी। आफ्टर 5 ईयर्स आई कम बैक होम, 5 साल के बाद मैं वापस अपने घर आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, यहाँ पे जो हर है ये खुशवंत सिंह की दादी माँ को ही रेफर कर रहा है।
तो मैं मेरी दादी माँ से फिर स्टेशन पे मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई है। मतलब जिस तरह से दादी माँ को ये छोड़ के गए थे, उसी तरह से आज भी इनकी दादी माँ वैसे ही है। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी के टाइम पे भी इनके पास ज़रा भी टाइम नहीं है कि ये बात कर सके, कुछ चीज़ को बोल सके। एंड वाइल सी क्लास्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब इन्होंने मुझे क्लास्प करा, मतलब जब इन्होंने मुझे टाइटली हग करा, तो मैंने उन सुना कि उनकी प्रेयर की आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की आवाज़ वो आ रही है, मन में प्रेयर जो कर रही हैं तो हल्की हल्की आवाज़ इन्हें सुनाई दिया। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन में ही, वर विध हर स्पैरोस, तो जो फर्स्ट डे आए थे, इनका फर्स्ट डे आने का भी इनके दादी माँ के लिए वो हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं था। अभी भी जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सबसे ज़्यादा खुशी वाला जो पल था, वो वही था इनके स्पैरोस के साथ जो हाफ आवर स्पेंड करती थी दोपहर के टाइम में, तो अभी भी वही था। होम सी फेड लॉन्गर एंड फ्रीवलस रिब्यूक्स, फ्रीवलस रिब्यूक्स का मतलब होता है माइल्ड स्कोल्डिंग, हल्की सी डांट लगाना। तो जिन स्पैरोज को ये बहुत पहले से फीड कर रही थी, बहुत लंबे समय से खिला रही थी, तो अब इनकी दादी माँ अभी भी एक चेंज आया है कि पहले के टाइम में जब वो थी 5 साल पहले आज से, तो ये उसे डांटा नहीं करती थी। शोल्डर्स पे, इनके हेड पे, इनके लेग्स पे, इनके बॉडी पे स्पैरो जाकर बैठ जाया करते थे। तो लेकिन अभी के टाइम में एक चेंज आया है कि ये उसे डांटती है, लेकिन फेरिबुलस वे में डांटती है, मतलब कि बहुत ही माइल्ड डांटती है, हल्की सी डांट लगाती है, प्यार से इसे डांट के हटाती है, गुस्से से नहीं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और उसी दिन शाम के टाइम में, जिस दिन वो खुशवंत सिंह घर आया था, उसी दिन शाम के टाइम में एक चेंज आया खुशवंत सिंह की दादी माँ के अंदर। सी डिड नॉट प्रे, और वो चेंज क्या था कि उस शाम उन्होंने प्रे नहीं करा, उन्होंने अपने प्रेयर को स्कीप कर दिया। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने अपने आसपास के नेबरहुड की जो वुमन थी उन्होंने कलेक्ट करा और एक पुराने से ड्रम को लेकर गाना गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिलेटेड ड्रम्स एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि जब जो वॉरियर्स थे वो जंग जीतकर वापस से घर आते थे तो उनको सेलिब्रेट किया जाता था, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता था उनके होम कमिंग की खुशी में। तो यहाँ पे जो खुशवंत सिंह है, ये अपनी 5 साल की स्टडीज़ को कंप्लीट करके वापस से घर आए हैं, तो इस चीज़ को भी इन्होंने सेलिब्रेट कर रही है, इनकी दादी माँ सेलिब्रेट करी है आसपास के औरतों को बुलाकर और ड्रम के साथ गाकर। तो ऐसे बहुत घंटों तक इसी तरह से हुआ कि उन्होंने जो सैगिंग स्किन ऑफ डायलेपिलेटेड ड्रम्स था, मतलब जो पुराने फटे पुराने जो ड्रम थे, ये जो ड्रम बजा रहे थे ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, इसके जो ऊपर के स्किन्स थे वो बिल्कुल फट गए थे, ख़राब हो गए थे, तो ये जो चीज़ था इस पर बहुत घंटों तक इन्होंने थंप करा, उसे ज़ोर ज़ोर से पीट पीट कर बजाया और खुशी मनाया अपने पोते के घर वापस आने के लिए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर डूइंग। तो यहाँ पे जो है वी जो है यहाँ पे खुशवंत सिंह और उनके पेरेंट्स को रेफर कर रहा है। तो हम लोगों ने दादी माँ को बहुत परसुएड करा, बहुत ज़्यादा रोका, उन्हें बहुत ज़्यादा मना किया कि आप इतना ज़्यादा मत करो, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आप इतने देर से गा रहे हो, बजा रहे हो, तो ये चीज़ मत करो। डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डैट सी डिड नॉट प्ले, और जब से मैं उन्हें जानता था, जितने सालों से मैं उन्हें जानता था, तब से ये ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने अपने प्रे को स्कीप कर दिया है, अपने प्रेयर को नहीं करा है, तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और जैसा कि ये इससे पहले की शाम को ये बहुत ही ज़्यादा गाना गा रही थी और ढोल को बजा रही थी, ड्रम को बजा रही थी, तो अब जो ये सुबह हुआ है तो इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो इस थकान की वजह से अगली सुबह ये बीमार हो गई है। इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर, एक हल्की सी फीवर थी, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा था हम लोगों से कि ये हल्की सी फीवर है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल अलग ही सोच रही थी।
सी टोल्ड अस डैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि जो उनके एंड है वो करीब आ गई है। सी सेड डैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड द प्रे, और उन्होंने हम लोगों से कहा कि अब क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ही आवर्स बचे हैं, फ्यू आवर्स ही बचे हैं, तो वो भी ख़त्म होने से पहले ये अपना जो लास्ट चैप्टर है, जो इनकी जो प्रेयर है, इसे ये ख़त्म करना चाहते हैं, अपने प्रेयर को पूरा करना चाहते हैं। जैसा कि ये इसकी पहले की शाम को अपने प्रेयर को मिस कर दिया था, उसे स्किप कर दिया था, तो उस चीज़ को भी ये कंप्लीट करना चाहते हैं। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और फिर वो कहती है कि मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूँगी तुम लोगों से बात करने में, मैं मेरी प्रेयर को फिनिश करूँगी। वी प्रोटेस्टेड, वी यहाँ पे खुशवंत सिंह और उनके फैमिली को रेफ़र कर रहा है, तो ये सब लोगों ने प्रोटेस्ट करा, इस चीज़ के लिए मना करा कि नहीं मुझसे बात करो, हम लोगों से बात करो, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, लेकिन उन्होंने इन सब के प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, शी यहाँ पे वापस से खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर को ही रेफ़र कर रहा है, तो जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है ये शांति से बेड में लेट गई जाके, और वहाँ जाके ये प्रे करने लगी और अपने माला का जाप करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, इससे पहले कि हम लोग ऐसा कुछ सोचते उनकी जो लिप्स थी जो प्रेयर में मूव कर रही थी वो रुक गई, और जो रोजरी थी मोतियों की माला थी वो उनके लाइफलेस फिंगर से, उनकी बेजान फिंगर से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू डैट शी वॉज डेड, उनके चेहरे पे एक येलो कलर की येलोइश कलर उनके चेहरे पे फैल गई, पूरी तरह से स्प्रेड हो गई, और उसके बाद हम लोगों को ये बात समझ आ गई कि वो मर चुकी है। तो यहाँ पे इनकी दादी माँ का डेथ हो गया है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी लेड ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, अब हम सब लोगों ने जैसा कि कस्टम में था, उनके जो कस्टम था, उनका जो रिवाज था, उसमें जैसा कि था, तो उन्हें बेड से उठाया और उन्हें उठाकर नीचे ग्राउंड पे रख दिया, और उन्हें एक रेड कलर के श्राउड से, रेड कलर के लंबे क्लोथ से उन्हें उनके डेड बॉडी को कवर कर दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, कुछ घंटों की मॉर्निंग के बाद, मतलब कुछ घंटे मौन रखा इन्होंने और यहाँ के जितने भी फैमिली मेम्बर थे इनके, वो सारे लोगों ने, और उसके बाद कुछ देर के लिए इन्हें अकेला छोड़ दिया गया, इनके डेड बॉडी को अकेला छोड़ दिया गया, और सब लोग गए अरेंजमेंट्स के लिए, जो भी फाइनल अरेंजमेंट्स है इनके फनरल के लिए, तो उसके लिए सब लोग चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और शाम के टाइम में हम लोग सबके सब रूम में आए, दादी माँ के रूम में गए और वहाँ एक स्ट्रेचर ले गए, उनकी बॉडी को उस पर लिटाया और उन्हें ले जाने लगे क्रीमेट करने के लिए, यानी उन्हें जलाने के लिए ले जाने लगे ये लोग। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड बरानदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, अब क्योंकि जो सन है ये शाम का टाइम हो रहा है, तो जो सन है वो भी सेट कर रहा है, वो भी डूब रहा है सूरज, और उनकी जो सूरज की रोशनी थी वो दादी माँ के कमरे में और बरामदे में जा रही थी, गोल्डन कलर की रोशनी जा रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम लोग जब कोर्ट यार्ड में पहुँचे तो वहाँ पे कुछ देर के लिए रुके। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टीफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और जब हम लोगों ने कोर्ट यार्ड में रुका तो वहाँ पे देखा कि पूरे बरामदा में हर तरफ और दादी माँ के कमरे में भी, जहाँ पे कि वो लेटी हुई थी डेड, उनका बॉडी जो था डेड बॉडी वो रखा हुआ था और रैप किया हुआ था रेड कलर के श्राउड से, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो आ गए, हज़ारों स्पैरोज आ गए पूरे फ्लोर पे बैठे हुए थे। देर वर नो चिरपिंग्स, और वहाँ पे अब कोई भी चिरपिंग्स नहीं था, कोई भी चहचहाने की आवाज़ नहीं थी, एक स्पैरो भी चिरपिंग्स नहीं कर रहे थे। वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था उन बर्ड्स के लिए कि उनके जो खिलाने वाली थी वो अब नहीं रही, लेकिन जो मेरी मदर थी वो उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई।
सी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स, लिटिल क्रम्स, लिटिल पीसेस। यहाँ पर जो सी है ये सी ऑथर के मदर को रेफ़र कर रहा है। तो जो खुशवंत सिंह है उनकी माँ गई और वहाँ से जाके ब्रेड लाई और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरह से जैसे कि खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर तोड़ के दिया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उसे खाने के लिए दे दिया। द स्पैरोस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और वो जो स्पैरोस थे वो ब्रेड को खाना तो बहुत दूर की बात है, उस पर नोटिस भी नहीं करा, उसे ध्यान भी नहीं दिया कि वहाँ पर ब्रेड पड़ा है। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कोप्स ऑफ, और जब हम लोगों ने ग्रैंड मदर के बॉडी को, जो डेड बॉडी है उसे कैरी करा, उसे ले जाने के लिए शुरू करा, दे फ्लू अवे क्वाइटली। तो यहाँ पर जो दे है ये रेफर कर रहा है उन स्पैरोस को जो वहाँ पर आके बैठ गए थे। ये सारे जो स्पैरोस है वहाँ से चुप करके उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। तो बिना वहाँ पे कुछ खाए, खाना तो दूर की बात है, स्पैरोस ने नोटिस भी नहीं करा वहाँ पे कि ब्रेड पड़े हैं, और बिना कुछ नोटिस किए जब इनकी दादी माँ के डेड बॉडी को ले जाया जाने लगा तो ये सारे स्पैरोस क्वाइटली वहाँ से उड़ गए। और अगले सुबह जो वहाँ पे बरामदे में रखा हुआ था ब्रेड क्रम्स, उसे स्वीपर ने स्वीप कर दिया, उसे हटा दिया वहाँ से और हटा के डस्टबिन में फेंक दिया। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था, इन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में लिखा था, ये इस तरह से यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को शेयर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। थैंक यू सो मच।